सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। गाइज, दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक आरबीआई ग्रेड बी, ईएसआई सेक्शन, नबार्ड, स्टेट पीएससी एंड अदर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, बट बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसके अलावा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डेली क्विज, और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दैट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हमें नहीं मिल रहा है ये ग्रुप, सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम देयर। ओके, एंड दीज आर द फोर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ट्रिपल आईटी अमेंडमेंट बिल 2020, देन वी विल मूव ऑन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआरएससी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, एजुकेशन लैंडस्केप ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया एंड ग्लोबल स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020। ओके, सो दीज आर द फोर टॉपिक्स गाइज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम दीज फोर टॉपिक्स ओनली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल, ट्रिपल आईटी बिल 2020 इंट्रोड्यूस हुआ है, सो उसके बारे में क्या है देखते हैं। सो बेसिकली जो मेन पॉइंट है इसमें, इस बिल का जो मेन पर्पज है वो ये है कि पांच ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जिनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में रखना है, उनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस प्रोवाइड कराना है। सो द बिल विल डिक्लेयर फाइव ट्रिपल आईटीज इन पीपीपी मोड एट सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला एंड रायचूर एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दीज फाइव ट्रिपल आईटीज, द लोकेशंस ऑफ दीज फाइव ट्रिपल आईटीज, सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला एंड रायचूर। ओके, एंड इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं फॉर बीइंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो सभी फायदे इन पांच ट्रिपल आईटीज को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा इट विल एनेबल द इंस्टीट्यूट्स टू अट्रैक्ट इनफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस होगा उसके लिए और स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बिल। एंड इट विल ऑल्सो एंटाइटल द इंस्टीट्यूट्स टू यूज नोमेनक्लेचर बीटेक, एमटेक, पीएचडी, इससे पहले ये लोग ये नहीं कर पाते थे बट नाउ दे विल एबल टू डू दिस बीटेक, एमटेक और पीएचडी डिग्री एज इश्यूड बाय अ यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, सो दिस इज गाइज अबाउट द बिल एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी में क्या है। बेसिकली इस जो बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है इज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ दीज फाइव ट्रिपल आईटीज। फॉर्मलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे पहले अभी तक ये जो पांच ट्रिपल आईटीज हैं दे आर रजिस्टर्ड एज सोसाइटीज अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ये सारे के सारे अभी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर एक सोसाइटीज है, अब इनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनको एक फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूट बना दिया जाएगा। ओके, एंड दे विल नाउ बी कवर्ड अंडर द ट्रिपल आईटी पीपीपी एक्ट ऑफ 2017। ये एक ट्रिपल आईटी एक्ट है, ट्रिपल आईटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एक्ट 2017, जिसमें जितने भी पीपीपी मोड के अंदर ट्रिपल आईटी चल रहे थे उन सभी को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया था इन द 2017। बेसिकली एट दैट टाइम 15 ट्रिपल आईटीज वर गिवन द स्टेटस ऑफ आईएनआई, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नाउ 5 मोर विल बी गिवन अंडर द सेम एक्ट। ओके, एंड अगर हम ट्रिपल आईटीज की बात करें इंडिया में, सो गाइस 2010 से पहले इंडिया में चार ट्रिपल आईटीज फंक्शन करते थे, एंड वो चारों के चारों किसने एस्टैब्लिश किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है, फिर 2014 में एक ट्रिपल आईटी एक्ट आया 2014। ओके, दिस एक्ट वाज इनएक्टेड टू गिव स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, स्टेटस इज हियर टू एग्जिस्टिंग फोर ट्रिपल आईटीज एस्टैब्लिश्ड बाय एमएचआरडी। जो उस समय 2010 से पहले चार जो ट्रिपल आईटीज थे उनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने के लिए इन 2014 दिस एक्ट वाज इनएक्टेड, व्हिच इज नोन एज ट्रिपल आईटी एक्ट ऑफ 2014। इसके अलावा एक और फिफ्थ ट्रिपल आईटी बनाया गया एट कुरनूल, जिसको आईएनआई का स्टेटस दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन कुरनूल से आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, कुरनूल इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, इट इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आई होप आप सबको ये पता है। एंड अदर टू कैपिटल्स अमरावती एंड विशाखापट्टनम इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड अमरावती इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, सो दीज आर द थ्री कैपिटल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, एंड इन 2010 अ स्कीम वाज अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ 20 मोर ट्रिपल आईटीज इन द पीपीपी मोड। 2010 में एक और स्कीम आई जिसके अंतर्गत 20 ट्रिपल आईटीज बनाने थे हमें अंडर द पीपीपी मोड, और फिर बाद में एक और एक्ट आया
2017 में ट्रिपल आईटी पीपीपी एक्ट 2017, जिसमें 15 ट्रिपल आईटीज जो कि पीपीपी मोड में बनाए गए थे, उन सभी को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया। ओके, सो इसमें से कोई भी क्वेश्चन गाइस पूछा जा सकता है, स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है ये। एंड नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी ट्रिपल आईटीज विल बी डिक्लेयर्ड एज INI एज पर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2020। कितने ट्रिपल आईटीज को INI डिक्लेयर किया जाएगा? सो गाइस द 5 ट्रिपल आईटीज विल बी डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज पर द ट्रिपल आईटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020। ओके, एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। सो विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स प्रपोज्ड फॉर ऑपरेटिंग ARHCs, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो गाइज, इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ माई गवर्नमेंट स्कीम सीरीज, सो आपको ARHC के बारे में जरूर पता होगा। अभी पिछले वीक ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पढ़ा था, जिसमें हमने ARHC के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है जो कि आफ्टर द कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस किए गए हैं अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसमें होगा क्या कि जो भी माइग्रेंट्स यहाँ से वापस गए हैं, जो भी शहरों से माइग्रेंट्स वापस गए हैं, तो जब अपने घर पहुंचे, विलेजेस पहुंचे, तो वहां पे उनके पास घर की दिक्कत हो गई, तो उसके लिए अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस कॉम्पोनेंट लॉन्च किया गया अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसके लिए केवल LIG और EWS सेक्शन के लोग ही एलिजिबल होंगे, MIG1 और MIG2 के जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, सो गाइस आई होप आपको ARHC याद है, ARHC क्लियर है। सो अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बताया है दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ARHC विल बी इन द PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक प्राइवेट बॉडीज। ओके, और दो तरीके से किया जा सकेगा, बाय कन्वर्टिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंडेड वेकेंट कॉम्प्लेक्सेस इनटू ARHCs। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग हाउसेज हैं जो खाली पड़े हैं उनको ARHC में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, बाय कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ARHCs ऑन देयर ओन अवेलेबल वेकेंट लैंड। अगर वो अपने खाली जमीन के ऊपर एक ARHC बना के वहां पे उसको मेंटेन करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो भी करा जा सकता है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के खाली पड़े हुए घर है उनको भी ARHC में कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट, एंड ताकि क्योंकि ये इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने के लिए हमें पहले उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। सो दीज आर सम बेनिफिट्स दैट आर प्रपोज्ड टू बी गिवन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन अंडर PPP मोड। सो एग्जेम्पशन ऑन इनकम टैक्स पे एग्जेम्पशन मिलेगा इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन द ऑपरेशन ऑफ ARHC। एग्जेम्पशन ऑफ GST विल बी देयर। प्रोजेक्ट फाइनेंस और लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, जो भी ARHC बनाने में खर्चा होगा उसके लिए लोन, उसके लिए फाइनेंस काफी ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल है दैट विल बी अप्रूव्ड विद इन 30 डेज, केवल 30 दिन के अंदर सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट प्रोवाइड कराया जाएगा इफ देयर इज अ यूज ऑफ इनोवेटिव मेथड्स इन कंस्ट्रक्टिंग द ARHCs। ओके, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड अगर ARHC बनाने में इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, सो दीज आर सम बेनिफिट्स दैट आर प्रपोज्ड टू बी गिवन फॉर ऑपरेटिंग द ARHCs। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो इनकम टैक्स विल बी एग्जेम्प्टेड ऑन एनी प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग ARHCs, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। GST विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Statutory approvals will be given within 60 days. No, it is not 60 days, guys. It is what? It is how many days? 30 days. So this statement, guys, is incorrect and we have to find the correct statement, which means option C, only 1 and 2 will be the correct answer to this question. Okay. And now let's move on to the question number 3. So the question is, which of the following steps are taken by the government of India for education of STs in the country? And guys, this was in news because Ministry of Tribal Affairs, which is headed by Mr. Arjun Singh Munda, his Lok Sabha constituency is Khunti. इन्होंने Lok Sabha में reply submit किया है कि उन्होंने ST के लिए, ST की education के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। Okay, so that is why this was in news. So इसमें से question पूछा जा सकता है आपके exam में। So इस जो reply था इसमें कुछ key points भी दिए गए थे, like for example, as per the reply given by the Tribal Affairs Minister, so as per the census 2011, जो STs का लिटरेसी रेट था दैट वॉज 59%, लेकिन जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी हमारे देश की दैट वॉज 73%। ओके, एज पर द PLFS 2017-18 लिटरेसी रेट ऑफ STs वॉज 67.7%, वाइल ओवरऑल इट वॉज 76.9%। राइट,
बाकी जो PLFS 2018-19 के हिसाब से था, ST का 69.4% थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, while overall it was 78.1%. So this is the basic data of the literacy rate of the STs as per the census 2011, PLFS 2017-18 and PLFS 2018-19. All right, and these are some steps that have been taken by the government for the upliftment of education of scheduled tribes. So these are some schemes basically जो कि implement की जा रही हैं by the Ministry of Tribal Affairs. So first of all we have आश्रम स्कूल्स. सो आश्रम स्कूल्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द स्टेट्स फॉर सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर एसटीज फॉर प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स ऑफ द एजुकेशन. बेसिकली आश्रम स्कूल्स आर फॉर एसटीज एजुकेशन अंडर विच फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आश्रम स्कूल्स सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें सारे लेवल्स इंक्लूड होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव एसटी हॉस्टल, इसमें भी अगेन सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर पर्टिकुलरली फॉर एसटीज. सर्व शिक्षा अभियान, गाइज वी ऑल नो ये सबके लिए है तो एसटी के लिए भी जरूर होगा. देन वी हैव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं फॉर द गर्ल्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एंड बिलो पॉवर्टी लाइन. और फाइनली वी हैव एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, वन सेकेंड, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जिसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है टू द एसटी स्टूडेंट्स. ओके, टू प्रोवाइड क्वालिटी अपर प्राइमरी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन टू शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स. ओके, सो दीज आर सम स्कीम्स जो कि लॉन्च की गई हैं, जो कि इंप्लीमेंट की गई हैं बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द एसटी. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3. So the question is, which of the following steps is are taken by the government of India for education of STs? So ashram schools, Eklavya model residential schools, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, ST hostels, all of the above are the steps taken by the government. So option E will be the correct answer. So guys, इस तरीके का question exam में आ सकता है. इसमें आपको किसी scheme के बारे में कोई detail नहीं पूछी गई, just इतना पूछा गया कि इनमें से कौन सी scheme ST के बारे में है या ST के बारे में नहीं है. Alright. So, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है पेपर में, एंड इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर क्वेश्चंस. ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द ग्लोबल स्मार्ट सिटीज इंडेक्स. ओके, सो ग्लोबल स्मार्ट सिटीज इंडेक्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. एंड रिमेंबर, इसमें हमें ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा पढ़ना है, और वो जो भी हमें पढ़ना है वो इस एक स्लाइड में कवर्ड है. ओके, सो आपको यह पढ़ना है कि इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया. सो किसने लॉन्च किया, द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन. सो इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेटिवली इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, जॉइंटली लॉन्च किया है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन. ओके, एंड इसके कुछ की पॉइंट आपको पता होने चाहिए, लाइक 109 सिटीज वर सर्वेड अंडर दिस इंडेक्स, टोटल कितनी सिटीज थी, 109. देन द इंडेक्स रैंक सिटीज बेस्ड ऑन दर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेटा, जो भी उनका इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेटा है. एंड इसके अलावा जो वहां के लोग हैं, जो वहां के सिटीजन हैं उस सिटीज के, उनसे भी कुछ इसमें जो है राय ली गई थी कि अबाउट द स्मार्टनेस ऑफ द सिटी. ओके, टॉप 3 सिटीज इसमें कौन कौन सी है, सिंगापुर, हेलसिंकी एंड ज्यूरिक. यू शुड रिमेंबर द टॉप 3 सिटीज एटलीस्ट. एंड इसके अंदर 4 इंडियन सिटीज थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए, साथ में उनकी रैंकिंग भी पता होनी चाहिए. So these are the 4 cities, Hyderabad, New Delhi, Mumbai and Bangalore with their ranking. Hyderabad 85, New Delhi 86, Mumbai 93 and Bangalore 95. So these are the 4 cities that were included under the Global Smart Cities Index that was launched by the Institute of Management Development and Singapore University for Technology and Design. Okay, so that's it. आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसी में से एक question अगर आना होगा तो आ जाएगा, इसके अलावा कोई question नहीं आएगा. Which of the following cities of India were included in the Smart Cities Index 2020 that was released by the Institute for Management Development and Singapore University? So New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, all of them are included. New Delhi 86, Hyderabad 85, Mumbai 93 and Bangalore was at rank 95. So all of the above are included in the Global Smart Cities Index. Okay. And now guys, let's move on to the question number 5, which is the last question for today. Guys, this question is about the World Bank because कुछ एक्स्ट्रा न्यूज नहीं थी तो मैंने एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे. सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड बैंक. एंड आपको पता है ESI सेक्शन में जो जितने भी हमारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है. सो ये एक क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक के बारे में है, लेट अस
discuss the question, which we have to find the correct statement with respect to the World Bank. David Malpass is the current president of the World Bank. This is absolutely correct. Carmen Reinhart is the chief economist of the World Bank. Yes, this is also correct. And can you tell me the name of the chief economist of IMF? Write down in comments the name of the chief economist of IMF and also the chairperson. The chairperson or the president of IMF. Write down in the comments, please. And World Bank was established in 1944 at Bretton Woods Conference. This is also correct. So all of the statements are absolutely correct. And IMF and World Bank together are known as Bretton Woods Twins. I hope aapko ye baat pata hogi. So all are correct will be the correct answer. Okay. All are correct. And other than this, aapne zarur naam suna hoga Anshula Kant ka. Anshula Kant, she is MD and CFO of the World Bank, right? And iske alawa World Bank ne India ko kuch loan diye hain, $1 billion diya tha, $1 billion for coronavirus, $750 million un business ke liye jo ki kafi niche chale gaye hain due to the pandemic. Iske alawa $250 million diya tha for the Tamil Nadu affordable housing projects. And there are various other loans that have been provided by the World Bank to the government of India. So the answer to this question, guys, is option E. All are correct. Okay. And that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe to our channel and press the bell icon. Ye session kaise lag raha hai aapko? Comment karke zarur batao. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Goodbye. Take care and God bless.